गजाननभूत गणाधिसेवितं कपीथजम्बु फलचारुपक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपंकज वर्णानाम् अर्थसंगानाम् रसानाम् छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वन्यते महेशानि नमस्तुभ्यं जगदम्बे सनातनि कृपां कुरु महादेवी सत्ये सत्यस्वरूपिणि प्रणवौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर नमोस्तु योगासन संस्थिताय त्रिलोकनाथाय महेश्वराय मुक्ति प्रदाय खिल सौख्यदात्रे भक्त प्रियायास्तु नमः शिवाय भक्त प्रियायास्तु नमः शिवाय भक्त प्रियायास्तु नमः शिवाय ध्यायेत् चन्द्रजटाधरं फणिधरं शिरसे च गङ्गाधरं बाले भस्मधरं गले विषधरं कण्ठे च मालाधरं दीनं दुःखहरं त्रिलोचनवरम् हस्ते त्रिशूलं धरं शत्रोर्मृत्युहरं जराभयहरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरम् श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्री
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल प्रभु दशरथ अचिर बिहारी श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम होई सोई जो राम रचि राखा होई सोई जो राम रचि राखा को करि तर्क बरावे शाखा को करि तर्क वे शाखा श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम असुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुज वन कुशानो ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि लाल देह लालील से अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 पपिशु सियावर रामचंद्र बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय हनुमंत लाल जी महाराज की जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय राधा कृष्ण भगवान की जय उमा महेश्वर भगवान की जय कुलदेवी मात की जय अपने मात पिता की जय सनातन धर्म की जय ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव भगवान आशुतोष चंद्रमौली सदाशिव की असीम अनुकंपा से ददास्फोट पथ के इस हरिहर मंदिर में तीसरी बार भगवान का स्मरण करने के लिए हम एकत्रित हुए। 6 दिवसीय इस हनुमंत सत्र में
सुंदरकांड को माध्यम बनाते हुए हम 6 दिन तक भगवान हनुमान जी महाराज को गाएंगे, यथामति समझने का प्रयास करेंगे। तो पधारे हुए सभी श्रोता, मेरी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, आप सबका मैं करबद्ध हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे इसमें सुंदरकांड है, सबको एक बात की तो चलेगा, हिंदी गुजराती दोनों। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी पुत्रे पारा। हनुमान जी महाराज अनन्य भक्त श्रेणी के देवता है। अन्य देवता स्वामित्व के स्वामी होते हैं, हनुमान जी महाराज जो है वो देवता तो है मगर भक्त श्रेणी के देवता। तो अपने शुद्ध बुद्धि से अष्ट सिद्धि और नवनिधि को जिन्होंने साथ लिया और अपने हृदय में राम को बिठाकर सदैव संपूज्य हुए, सिर्फ इतना ही नहीं, कलिकाल में गुजराती और हिंदी भी है, जिसको हिंदी चाहिए वो हिंदी चाहिए। कलयुग में 3 देवता ऐसे हैं जिसका हम विसर्जन नहीं करते, या तो अपने विदाई नहीं करते। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी पूजा होती है तो सभी देवता का आवाहन करते हैं, आवायामी, स्थापयामी, पूजयामी, अनेक प्रकार के पूजन, भोग, नैवेद्य आदि लगाकर अंत में जब पूजा संपन्न हो जाती है तब महाराज जी हमको अक्षत देते हैं, चावल देते हैं और बोलते हैं कि देवता को विदा करना है। कहते स्वस्थाने गच्छतम। तो गणेश मातृका और हनुमान जी अत्र विराजित अन्य आवाहित देवता स्वस्थाने गच्छतः शुभ कार्य पुनरागमनाय च। गणेश और चंडी ये दोनों को विदा नहीं किया जाता, और मारुति नंदन को बुलाओ या न बुलाओ वो स्वयंभू उपस्थित हो जाते हैं, अथवा तो सभी जगह पर हनुमान जी महाराज विद्यमान है, क्योंकि पवन तनय बल पवन समाना। हनुमान जी के बगैर की सृष्टि का संचालन असंभव है, उनके बगैर की सृष्टि का जीवन असंभव है। तो जहां ऑक्सीजन है, जहां जीव है, जहां पलना है, जहां जन्म होता है, जहां मृत्यु होती है, जहां संसार होता है, जहां सृष्टि होती है, वहां पे हनुमंत लाल जी अनिवार्य विद्यमान होते थे। तो 3 देवता के बगैर ये हमारा संसार नहीं चल सकता है। तो अद्भुत काल है गणेशोत्सव। गणेशोत्सव में जैसे गणपति बाबा अपने घर जाएंगे, हम 10 दिवसीय अनुष्ठान मना के बाबा को विदा करेंगे, तब कलो चंडी विनायक, विनायक की पूजा संपन्न होते ही जैसे 15 दिन जाएगा, श्राद्ध पक्ष जाएगा, त्वरित ही तुरंत ही महाराज राजेश्वरी भगवती जगदम्बा का प्रधान नवरात्रि, 4 नवरात्रि, 2 गुप्त नवरात्रि, 2 प्रकट नवरात्रि, उनमें से प्रधान नवरात्रि अश्विनी शुक्ल पक्ष की जो नवरात्रि है वो आ जाएगी। और जैसे ही नवरात्रि आती है तो सचराचर में आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा कण कण में व्याप्त हो जाती है। मातु आवे हे नवरात्रमवा, केवा केवा वेशे मा, केवा केवा। लोग चंडी पाठ करेंगे, अनेक प्रकार के अनुष्ठान करेंगे, गरबा करेंगे, नृत्य करेंगे, कीर्तन करेंगे, अनेक प्रकार के जुगाड़ उगाएंगे,
घटस्थापन करेंगे और शक्ति की उपासना करेंगे। ये गणेश के महोत्सव के बाद शक्ति आएगी, मगर आज इस हिंदू टेंपल में एक अनोखा संयोग ये भी बन गया है कि बीच में हनुमान जी महाराज की कथा सुनने का हमें अवसर मिल गया है, जो बहुत ही जरूरी है। हनुमान